नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिता किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू का बिल्कुल यूनिक स्टाइल में नाश्ता, वो भी झटपट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 बॉइल्ड आलू ले लिया है और इसको हमें इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद इसमें हमें ऐड कर लेना है मसाले। मसाले मैंने यहाँ 1/2 चम्मच गरम मसाला ले लिया है, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है, 1/2 चम्मच ले लेंगे इसमें हम काले मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हमें ऐड कर लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई मिर्च, बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू और धनिया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ले लेंगे और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करते वक्त इसमें हम ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लावर 1 से 2 चम्मच। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह पे थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी को मिक्स कर लेना है एक साथ। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ले लेंगे 2 चम्मच। इसके अंदर हल्का सा नमक डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी पेस्ट की हेल्प से हम रोल्स अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है आटा, गेहूं का आटा है। इसके अंदर हमें अजवाइन ऐड कर लेना है रगड़ते हुए, और थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिया है, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिफाइंड ऑयल इस तरीके से ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसको आप हाथों से मिक्स करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से हमें हाथों से मिक्स करना है, और इसको जब आप मिक्स करोगे ना तो जो आटा है वो इस तरीके से टाइट होने लगेगा, बॉल टाइप बनने लगेगा, ये परफेक्ट होता है। फिर इसे हमें नॉर्मल पानी के साथ गूंथ लेना है और एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है इसका। तो डो हमारा तैयार हो चुका है, इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। उसके बाद फिर इस तरीके से इसे 3 से 4 पीसेस में कट कर ले। इस तरीके से फिर एक डो को ले, इस तरीके से घुमाते हुए इसको बेल लें। एक शीट तैयार करनी है हमें इस तरीके से। फिर इसके बाद इस शीट में हमें ऐड कर लेना है आलू का जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी उसको इस तरीके से। फिर इस पे हल्का सा हमें ऐसे घुमाते हुए रोल करना है, और जो हम लोगों ने बनाया था वाइट वाला उसे कॉर्नर में लगा देना है ताकि ये चिपक जाए। जो हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था कॉर्नफ्लावर का, उसकी हेल्प से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा का यूज़ कर सकते हैं या आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के गोल तैयार कर ले, और जब भी आप रोल कंप्लीट करें लास्ट साइड में थोड़ा सा घोल को लगा दें जिससे कि वो खुलेगा नहीं। फिर हमें साइड से कट कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट, और जो फिलिंग वाले पार्ट हैं उनको रख लेना है। उसके बाद हमें फ्राई करना है, तो मैंने यहाँ ले लिया है रिफाइंड ऑयल और उसे एकदम हीट कर लिया था। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके ये ऐड कर लेना है। स्टार्टिंग में ध्यान देना है, स्टार्टिंग के 1 मिनट तक हमें हाई फ्लेम रखना है, फिर मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देना है। फिर एक तरफ से सिक जाने के बाद इसे हमें फिर से पलट लेना है ताकि दूसरी तरफ भी सिक जाए इस तरीके से। स्टार्टिंग जब हम लोग ऐड करेंगे तब हाई फ्लेम रखना है, फिर ऐड करने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे ही पूरा पकाओगे तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो दोनों तरफ से सिक रहा है ये, आप इसका कलर देख सकते हो चेंज होने लगा है, हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है।
तो ये पक चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको हम सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे तोड़ करके अंदर से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। ये बच्चों के लंच में आप दे सकते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत फास्ट बन जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।